लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। बाबा रामदेव के द्वारा पिछले दिनों दिए गए विवादित बयान से राज्य भर के चिकित्सकों में नाराजगी है। स्वामी रामदेव ने कहा था कि एलोपैथिक दवाई खाने से लाखों लोगों की मौत हुई है। उन्होंने एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालिया साइंस भी कहा था। रामदेव के इस बयान के बाद चिकित्सकों में रोष है। झारखंड के करीब 20,000 चिकित्सक 1 जून को काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। वहीं रांची IMA के सचिव डॉक्टर सुधीर कुमार ने कहा है कि बाबा रामदेव को अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। बाबा से विरोध नहीं है, किसी भी बाबा से विरोध नहीं है, ना आयुर्वेदिक से या किसी भी अल्टरनेटिव पद्धति से विरोध नहीं है, हमें उनकी हरकतों से विरोध है। उन्होंने जो वक्तव्य सार्वजनिक वक्तव्य दिया है उनको सार्वजनिक तौर पर ही माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसा कहना कि एलोपैथी ने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है, एलोपैथी के उपचार से हजारों लोगों की और डॉक्टरों की जान गई है, डॉक्टरों की जान नहीं गई है, उन्होंने अपनी शहादत दी है। पूरी दुनिया में 1,50,000 से भी ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर ने अपनी जान गंवाई है इस पैंडेमिक के समय। वहीं रांची IMA के संयुक्त सचिव डॉक्टर अजीत कुमार ने बाबा रामदेव को नसीहत देते हुए कहा कि रामदेव को ऐसे बयान से बचना चाहिए। जितने ऑफिसर्स लड़ाई में नहीं मरे उससे ज़्यादा डॉक्टर्स मरे हैं कोविड में, तो इसलिए उनका ये बयान डॉक्टरों को मजाक उड़ाने वाला निंदनीय है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। और उन्हें ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए, तभी वो निर्विवादित गुरु बन पाएंगे। स्वामी रामदेव के इस बयान से जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन भी खफा है। ऐसे में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विकास कुमार ने कहा, एसोसिएशन के सभी सदस्य मंगलवार को काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध दर्ज करेंगे। कोरोना वाले में लोगों को बोला कि नहीं, आप सांस वाले व्यायाम कर सकते हैं, सांस वाले जो भी प्राणायाम है वो कर सकते हैं जिसके लंग से कैपेसिटी इंक्रीज हो, हमने हमेशा प्रमोट किया है। लेकिन दोनों चिकित्सा पद्धति अलग अलग है, दोनों का अपना विशेष एक रोल है, वो दोनों को मिक्स नहीं करना है। आम जनता दोनों की यूज करती है और दोनों का करेगी ही, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसमें एक व्यक्ति विशेष की गलती यहाँ होता है कि अगर बाबा रामदेव सिर्फ वो बोलते कि हाँ मेरे द्वारा दिया गया स्टेटमेंट जो है गलत है, इसका गलत प्रभाव पड़ेगा, मैं उसको वापस लेता हूँ, युद्ध यहीं ख़त्म हो जाता। लेकिन उन्होंने इस मैटर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, दैट्स वाई हम लोग हैं कि नहीं, हम लोग इसको कल काला दिवस के रूप में 1 जून को मनाएंगे और ब्लैक बैज बना के हम लोग सारी ड्यूटी करेंगे, कोरोना ड्यूटी करेंगे, लेकिन विरोध प्रदर्शन हम लोग करेंगे। जाहिर है आयुर्वेद बनाम एलोपैथी की लड़ाई दिन पर दिन तूल पकड़ती जा रही है। ऐसे में देश भर में चिकित्सक स्वामी रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हर लोग अपने ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन ये कह देना कि ये कोई साइंस नहीं है कि कितनी सही बात है, ये सब नहीं होनी चाहिए। एक गैर वाजिब विवाद खड़ा कर देना अपने प्रचार प्रसार, अपने बेचने के लिए, दवाओं के लिए, इसके लिए, वो उचित नहीं है। और हमारे ऐसे पेशा पर इस तरह का उनका बयान जो है, ये इसको मैं बड़बोलापन कहूँगा, ये बड़बोलापन उचित नहीं है, इसलिए उनको क्षमा मांगना चाहिए और हम लोग एक डेमोक्रेटिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रांची से लाइव लगातार के लिए सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।